जय जिनेन्द्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। पंजाब के ऐतिहासिक नगरी सरहिल में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर अरहंतम श्री आदिनाथ भगवान नवपदात्मक सिद्ध चक्र की शासन देवी एवं अधिष्ठयत्री माता श्री चक्रेश्वरी देवी जी के एकमात्र ऐतिहासिक 1000 वर्षीय प्राचीन मंदिर में तीर्थ प्रबंधक कमेटी द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक महोत्सव 18, 19 और 20 अक्टूबर 2021 को बड़े ही हर्ष के साथ मनाया जाएगा। इन कार्यक्रमों में अपनी सेवा का लाभ प्राप्त करने के लिए लकी ड्रॉ निकाले गए, जिनमें 1048 कूपन नंबर को भवन का द्वार खोलना और प्रसाद चढ़ाना, 3006 कूपन नंबर को प्रथम प्रसाद का लाभ, 2556 कूपन नंबर को ध्वजारोहण का लाभ, 3070 नंबर को माता की मूर्ति को रथ में विराजमान करने का लाभ प्राप्त हुआ है, कूपन नंबर 4265 को शोभा यात्रा के शुभारंभ का लाभ प्राप्त हुआ है। प्रबंधक कमेटी ने सभी देशवासियों से विनती की है, आप सभी पावन वार्षिक महोत्सव में पधारकर उत्सव की शोभा बढ़ाएं एवं चमत्कारी माता चक्रेश्वरी देवी जी के चरणों में हाजिर लगा दर्शनों का लाभ प्राप्त कर अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। यह कूपन SDM श्री संजीव शर्मा द्वारा निकलवाए गए। माता चक्रेश्वरी देवी जैन तीर्थ सरहंद में SDM साहब आपसे निवेदन है, दो शब्द कहिए। सबसे पहले तो चक्रेश्वरी माता की जय। पिछली बार मैं इस समागम में आया था, बड़ा अच्छा ये सोच है कि ना केवल किसी को धन के बदौलत माता के जो इस मंदिर में ध्वज चढ़ता है उसको मिले, या जो पहली पूजा है उसी को अधिकार हो के वो अपने धन के बदौलत वो ये कर लगे। इसी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए इस संस्था ने हमेशा जो है ना एक पर्ची सिस्टम बनाया हुआ है, कूपन सिस्टम बनाया हुआ है, जिसके तहत यहाँ पे कूपन निकाले जाते हैं कि हर एक को जो है समान जो है मौका मिल सके, चांस हो उसको के फेयर चांस हो कि वो माता की पूजा के लिए पहले आ सके। और मैं यहाँ की जो मैनेजमेंट है उसको भी बधाई देता हूँ कि वो बहुत ही पारदर्शिता से ये है जो कार्य करते हैं। जय माता दी। कैमरामैन विकास के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। श्रोमणीय अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल आज लुधियाना में तूफानी दौरे पर रहे। इस मौके उन्होंने हल्का ईस्ट में पड़ते स्लम्स एरिया का भी दौरा किया। यहां उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी। इस मौके उन्होंने आश्वासन दिया कि जो अकाली दल द्वारा गरीबों के लिए नीला कार्ड बनाया गया था, कांग्रेस सरकार ने जिनके कार्ड कैंसिल कर दिए थे, अकाली दल की सरकार आने पर उनके कार्ड फिर से शुरू किए जाएंगे। विदेश में पढ़ाई करने वाले इच्छुक विद्यार्थियों के लिए 10 लाख रुपए देने की बात भी कही। बिजली मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। आम लोगों ना मिलने कोई जलसे कोई रैलियां कोई मजा वो नहीं है, बड़िया रैलियां नहीं, सिर्फ यह अट्रैक्शन है, क्योंकि साढ़े किसान भीर ने रैलियां तो पाबंदी लाई सी, इस करके असी अट्रैक्शन रखी है किसानों सॉरी इंडस्ट्रियलिस्टा नाल। तो स्लम एरिए जाना प्रधान जी ने भी स्लम में किस तरह लोग रह रहे हैं, किस तरह उन्होंने जीवन बसर कर रहे हैं, उन्होंने की जरूरत ने वो वेखनिया ने, इंडस्ट्रियलिस्टा की प्रॉब्लम्स आ रही वो सुननिया ने, और वख वख वर्गों के नाल उन्होंने विचार वटांदरा करना। अच्छा। क्योंकि इलैक्शन आनी है, इलैक्शन तो पहला सारा लीडरशिप को ज्ञान होना चाहिए भी साढ़े पंजाब के कल मुख्यमंत्री बनने तो बाद की होने वाला की करना, किस एरिए किस तरह के लोग रहते हैं, किस एरिए किस तरह के लोग बसर करते हैं, उन्होंने की जरूरत ने की मजबूरियां उन्होंने, वो देखने वास्ते प्रधान जी आ रहे हैं अज लुधियाना ईस्ट के, तो ईस्ट के लोग बिल्कुल उन्होंने प्यार करते हैं, तैयार बैठे ने। हाँ जी जिन्हें भी एमएलए ने जो मंत्री ने उन्होंने एक ही काम है, उन्होंने कहा है
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਰ ਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਆਪੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਲੋ ਸਾਹਿਬ ਜਤਾ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਤਾਲੀ ਦਾ ਰੁਪਏ ਜਾਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ। कैमरामैन सलमान और कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी महाराज की सुशिष्य तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उपवर्तनी महासती श्री मोहन मालाजी महाराज साहेब की सुशिष्य आयम्बिल तपराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज साहेब आदि ठाणे साथ चातुर्मास हेतु एस एस जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। आप नहीं जानते, ऐसा कभी किसी ने कराया नहीं, आपको इसलिए मालूम नहीं है कि ये प्रथम भक्ति स्तुति है। और आपने कल सुना था ना, डॉक्टर साहब से सुना था ना कल कि उन्होंने, यहाँ तो आप विधिवत संपुष्ट कर रहे हैं और कल डॉक्टर ने क्या बताया, उनकी माँ की तबीयत कितनी ख़राब थी। मैंने बस कुछ गाथाओं का ही आराधना कराई थी उनको, 10 गाथाओं की आराधना कराई थी और उसमें वो इतना एकाग्र हो गए, ऐसे संपुष्ट बनाकर बैठ गए और मैं गाथाएं गा रही हूँ। और तुरंत कल उन्होंने अपना अनुभव बताया कि जो माँ इतनी बेचैन हो रही थी कि बेटा जल्दी से, कई वर्षों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, कि जल्दी से 5 मिनट भी मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे कुछ हो जाएगा। लेकिन 10-15 मिनट के बाद जब वो साधना कर लेते हैं तो उनके पास मैसेज आता है कि तू जहाँ पर है वहाँ सकुशल अपना कार्य करना, मैं एकदम स्वस्थ। इंस्टेंट रिजल्ट, ये इंस्टेंट रिजल्ट हमारे पास तीर्थंकर की तरंगों से आता है, लेकिन शर्त ये है कि आप कितनी भक्ति पूर्वक उस आराधना को कर रहे हैं। चंचल मन, बिखरा हुआ मन, अविश्वास, शंका, ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी बाधा है, इसलिए ये बाधा नहीं रखनी। तो आओ भक्ति भाव के साथ परमात्मा के चरणों में समर्पित होते हैं। इस भक्ति प्रांगण में हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है और सोचो, वाह आज का दिन कितना मंगलमय है, वाह मेरा कितना सौभाग्य है। अपने जीवन की सारी हाय हाय को वाह में बदलना है, बस सारी ऊर्जा चेंज हो जाएगी। हर चीज़ में आपको यही देखना है, कोई परेशानी भी आई है, वाह ये परेशानी मुझे कुछ सिखा कर जाएगी, उसमें भी वाह कहना सीखो। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज, वग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभु मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवा भावी प्रश्मित मुनि जी महाराज ठाणे 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहेब ने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहेब के मुखारविंद से। का सोचना देखा जाए तो अपने लिए ही विपत्ति का कारण है। और दूसरा पॉइंट है वचन का, वचन गुप्ती अर्थात अपने वचन की ताकत को रिजर्व रखना और याद रखना, जो व्यक्ति जितना चुप रहता है उस व्यक्ति की उतनी कीमत होती है। पैरों में पड़ी हुई पाजेब की छनछन तो बहुत है मगर उसका स्थान पैरों में है, और गले के नेकलेस की छनछन नहीं है मगर स्थान कहाँ है, गले में है। कम बोलने वाला हमेशा 4 लोगों में बड़ा स्थान प्राप्त करता है, और ज़्यादा बोलने वाले को लोग क्या बोलते हैं, बस ज़्यादा ना बोल, अब इसको काम की बात सुनने दो, अब आगे बढ़े। सत्य भाषा है, असत्य है, मिश्र है और व्यवहार है। भगवान बोलते हैं सत्य बोलो मगर सत्य भी कैसा हो जो किसी के दिल को बींधने वाला ना हो। अब घर में एक भाभी जिसकी चेचक के कारण आँख चली गई, अब देवर आया घर में क्या बोला, ओ कानी भाभी पानी पिलाओ। अब उसको गुस्सा आ गया, उसने पानी कहाँ पिलाना था, वो बोली अपने आप उठा करके पी लो। अब दूसरा देवर आया, वो बोला ओ रानी भाभी पानी तो पिलाओ, वो बोली पानी क्या गर्मी है, मैं तुम्हें बादाम का शरबत बना करके पिलाती हूँ। ये किसके कारण हुआ, है तो सत्य ही, वो तो उसको एक आंख से नहीं दिखता। सिरसा से कैमरामैन जसविंदर के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट।
पंजाब के परिवहन मंत्री अमरिंदर सिंह राजावड़िंग ने लुधियाना का दौरा किया, जहां पर उन्होंने बस स्टैंड की सफाई का जायजा लिया और कर्मचारियों को बस स्टैंड की सफाई करने के आदेश जारी किए। इस मौके उन्होंने साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में कहा कि उनके सलाहकार ही खराब है। साथ ही उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें नई पार्टी नहीं बनानी चाहिए, अगर वो ऐसा करते हैं तो पंजाब की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने और क्या कुछ कहा, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। देखो जी अज तक सफाई अभियान का जो काम होंगे, जोड़ा भी लीडर या मोतवार आगू आता एक झाड़ू फट के फोटो खिचा लेंदा। ये छोटे लीडर तो बेचारे करनी करनी है, नरेंद्र मोदी जी भी ऐ करते हैं सफाई अभियान से, चंगी जैकेट पा के इदा खड़े होंगे स्वच्छ भारत। लेकिन स्वच्छ भारत तद ही हो सकता है जे थानू एक संबोलिक मैसेज देना पैना है। अगर मंत्री बिल्कुल डाउन द लाइन जाके सफाई अभियान का मतलब कि घंटा सफाई अभियान, मैं सारे बस स्टैंड की सफाई तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके अधिकारियों को यह दसना चाहना है कि अगर तुहाडा मंत्री जाके कूड़ा ते कागज चुक सकता है तो थानू ये चाहिए कि तुसी लोग जिन्हों लोगों को ठेका है उन्होंने कन्नों फड़ के उन्होंने तो काम कराओ, जिन्हें बंदे पूरे कराओ, नहीं उन्होंने बनती कार्रवाई करो। सो मैनू ये थे, मैं नहीं कहना कोई मेरा GM करे क्योंकि ठेका किसी को, पर अगर कोई GM नहीं यहोजा काम करेगा तो मैं कल GM तो सफाई कराएगा। मेरा मूल मकसद है, मेरा तो 2 घंटे लगन गे, बट अगर GM सारे पंजाब के चाहते कि असी आप हत्था नाल सफाई करनी है तो मोस्ट वेलकम। और अगर गांह तो किसी GM की कोताही हुई, दिस इज द फाइनल एंड लास्ट वार्निंग, GM के खिलाफ कार्रवाई होगी। स्मार्ट सिटी को 8 नंबर मिले। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ कुमार पवन की रिपोर्ट। लुधियाना में जॉली क्लासिक की ओर से स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फेस्टिवल का आयोजन करवाया गया। इस मौके बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन भी करवाया गया। इस मौके कमल चेतली ने विजेताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिन्होंने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया उनका वह धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने कहा कि आज के समय में यूथ नशे की ओर झुकता जा रहा है और उन युवाओं को नशे से बाहर लाने के लिए इस प्रकार की प्रतियोगिता करवाए ताकि वो नशे को छोड़कर खेलों में भाग ले। आज जिहड़ा पंजाब बॉडी बिल्डर दा इत्थे कंपीटीशन होया, पहला तो मैं सारे जेतुआं नूं बधाई दिंदा, जिहड़े दूजे नंबर ते रहे उन्हां नूं भी बधाई दिंदा, जिहड़े कंपीटीशन च कोई स्थान नहीं प्राप्त कर सके बधाई भी दिना, तो परमात्मा अगे दुआ भी करदा कि आने वाले समय से होर मेहनत करन तां कि आपका सही स्थान प्राप्त कर सकन। और जिहड़ा उपराला बहुत बड़ा है क्योंकि अज के समय च जो साडे पंजाब दा जिहड़ा नौजवान है जो कि नशियां दे पासे बहुत लग रहा सी, पर अज उन्हां दे विच जागरूकता आ गई है तो उधरों हट के खेडां वाले पासे आपदे शरीर नूं वधिया बनाउणी लगे हुए ने। जिहड़े लोग इन्हां दे विच योगदान पाउंदे ने मैं उन्हां दा भी धन्नवादी हाँ, जिहड़े लोग जॉली जी हुणे इस कंपीटीशन नूं कराउंदे आ मैं उन्हां दा भी धन्नवाद करदा, तो जिहड़े जिन्हां ने इत्थे कंपीटीशन च भाग लिया मैं उन्हां दा भी धन्नवाद करदा भी उन्हां नूं देखो देखी होर जिहड़े सारे लोग बच्चे नाल जुड़नगे। ये चेयरमैन मेरा बेटा हर्ष चैटली जो कि अज इत्थे है नहीं सी, आउट ऑफ कंट्री है तो वह आ नहीं सकया, इस करके मैनूं अज इत्थे आना पिया। मैं उहदे वल्लों भी सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। लुधियाना के जबादी खुर्द वार्ड नंबर 45 स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर में एडवोकेट राहुल पुहाल तथा मिंकल की अध्यक्षता में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, हेल्थ कार्ड तथा और सरकार द्वारा नई लागू की स्कीमों को लेकर विशेष कैंप लगाया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलजीत सिंह कड़वल विशेष तौर पर शामिल हुए, जिसमें इलाका निवासियों ने इस कैंप का खूब फायदा लिया। अज असी हलका आत्मनगर वार्ड नंबर 45 एक जड़ा लोग सुविधा वा कैंप लाया वा, ये जी लोगों की समस्याओं ने पहल के आधार से हल करने कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध आ। बड़े ही सत्कारयोग साढ़े नव निर्माचित अपने पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी जी द्वारा ये फैसला लिया गया वा भी जोड़े लोगों के काम आ वो पहल के आधार से असी करने हैं, तो वचनबद्ध आ साड़ी सरकार उसी लड़ी के साढ़े बड़े सत्कारयोग मंत्री साहब भरतभूषण आसू जी और हलका आत्मनगर तो साढ़े इंचार्ज सरदार कमलजीत सिंह कड़वल जी द्वारा एक विशेष मुहिम चलाई गई आ भी लोगों के कामों लिए विशेष तौर पर उन्होंने घर घर जाके उन्होंने काम कराए जाए। सो हलका आत्मनगर के वार्ड नंबर 45 असी एक विशेष कैंप लाया जिद के आधार कार्ड अपडेशन, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, श्रम कार्ड,
तो आयुष्मान कार्ड एक्सट्रैक्टर वगैरह असी बना रहे हैं लोगों के। तो हलका आदमनगर के जेडे कमलजीत सिंह कड़वल जी आ इंचार्ज ने साडे विशेष तौर पर उत्ते पहुँच के सानू हौसला दिता उन्होंने। लुधियाना से विकास भांबरी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बीजेपी के मंत्री द्वारा किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में दोषियों पर कार्रवाई कराने और गुलाबी सुंडी के कारण खराब हुई नरमी की फसल पर बनता मुआवजा देने के संबंधित किसान जथेबंदियों द्वारा आज बठिंडा डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन लगाया गया, साथ ही जमकर नारेबाजी की गयी। जानकारी देते हुए किसानों ने बताया कि जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बीजेपी मंत्री के द्वारा उनके किसान भाइयों पर गाड़ियां चढ़ाई गई हैं और कई किसान मारे गए हैं, इस मामले में उनकी मांग है कि सरकार उचित कार्रवाई कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे। वहीं जो मालवा के क्षेत्र में गुलाबी सुंडी के कारण नरमे की फसल बर्बाद हुई उसमें बनता मुआवजा दिया जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आ सके। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में संघर्ष को और तेज किया जाएगा। वहीं गुरदासपुर में भी यूपी में हुए घटनाक्रम के विरोध में किसान जथेबंदियों ने डीसी दफ्तर गुरदासपुर के बाहर धरना लगाया। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी गहन जाँच की जाए। अज का जोड़ा प्रोग्राम है देखो ये साड़ी आंसर की लोड़ बनी है। कल की घटना है जी सारू दिल हलून वाली घटना हैगी है। यूपी के बीजेपी की सरकार ने साडे किसान विरोध करते जोड़ा मुख्यमंत्री है वो मुंडे ने मुड़े आते किसानों के उत्ते गड्डी चढ़ाई गोलियां चलाइया शहीद करते किसान। सरकार ये राह अख्तियार ना करे, सरकार ये भुलेखे च ना रह जाए भी साढ़े मगर उवें लोग मुड़ मुड़ के आने असी जो मर्जी कर लिए सरकार जिहड़ा कुछ मर्जी कर ले उन्हूं खेती कानून रद्द करने पैणगे। ये जिहड़े बंदे दोषी ने उन्हां ते 302 दा कतल दा परचा नहीं दर्ज हुंदा, इन्हां नूं जेलां विच नहीं भेजा जांदा, उन्हां चिर कदा चित भी किसान चुप करके नहीं बैठणगे और ये लड़ाई साडी जिहड़ी आ अखीर तक जिहड़ी आ जिन्ना चिर साडे विच जान आ असीं लड़ांगे। मैं ते तुहानूं पहलों ही दस चुका भी एक डिक्टेटरशिप आ भी जो अहीं कहीए उह होवे। ये गल ये तो लोग राज का कहान आ भी जिहड़ा उन्हां दा पता लैण गया कोई हमदर्दी पहुँचा उत्थे ते उन्हूं नज़रबंद करता उत्थे, ये बहुत गलत गल आ। इहो जिहा जिहड़ा ये जिहड़ा डिक्टेटरशिप थोड़ा चिर चलती हुंदी आ, ज़्यादा चिर नहीं चलती। ये जिहड़ा जिन्ना जे लोक राज दा मतलब हुंदा भी लोगों की गल सुनो, लोग अपनी गल दसण गए उत्थे ते उन्हां नूं ये गड्डियां नंगा के उन्हां दे कतल करते। एक इन्हां नूं आपां कतल कह सकते हैं, अठां जी साडे किसानां दा कतल कीता वा ते जिहड़े साडे हमदर्दी कोई पिछे जा रहे आ उन्होंने नज़रबंद किया जा रहा। यह बहुत तगड़ी समझ लो डिक्टेटरशिप आ, ये लोग राज का घाण आ, घाण कर रहे आ ते धक्केशाही कर रहे हैं, धक्केशाही। बठिंडा से जुगनू शर्मा और गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। जिला फिरोजपुर के जगह जगह किसानों ने यूपी के लखीमपुर में हुए हादसे को लेकर भाजपा मंत्री अजय मिश्रा और उसके बेटे के खिलाफ पुतला फूंका और प्रदर्शन किया। यूपी के लखीमपुर में किसानों को गाड़ी के नीचे कुचलने पर भाजपा के मंत्री अजय मिश्रा और उसके बेटे के खिलाफ इस हादसे में हुई किसानों की मृत्यु को लेकर जिला फिरोजपुर में जगह जगह केंद्र सरकार के पुतले फूंक कर रोष प्रदर्शन किया गया। किसानों ने अजय मिश्रा और उसके बेटे को गिरफ्तार करने और उन पर कार्रवाई करने को लेकर सरकार से मांग करते हुए जगह जगह पुतला फूंका और प्रदर्शन किया। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के प्रधान इंद्रजीत सिंह बाट ने कहा कि यूपी के लखीमपुर में किसान शांतमय ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे और उन पर अजय मिश्रा भाजपा मंत्री और उसके बेटे ने किसानों को गाड़ी के नीचे देकर मार डाला। इस घिनौनी हरकत को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से अजय मिश्रा और उसके बेटे पर कार्रवाई करने की बात कही। जो शहीद हुए किसान है उन्होंने परिवारों बनती राशि जी वो दी जाए, उन्होंने कर्जा माफ किया जाए ते एक जी नौकरी दी जाए ते जिन्ना चिर काले कानून रद्द नहीं दे संघर्ष सारे देश इस तरह ही रहूगा, तेज होगा दिनों दिन। ये किसान जे इस तरह उत्ते गड्डियां चढ़ा के जां होर कितें गोलियां चलवा के जां कोई अनसुखावियां घटना करके ये अंदोलन खत्म नहीं होगा, अंदोलन तेज होगा। ये जिहड़े कानून रद्द करने पैणे आ अज नहीं तां कल रद्द होने चाहिए आ, जे ना करनगे संघर्ष होर तेज होगा। इन्नियां बेनतियां करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक मुझे दिया गया जय जिनेंद्र।